तो लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर है मुख्तार के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जनाजे में शामिल होने के लिए जुटी है भारी भीड़। थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी का जनाजा वहां से निकलेगा। उमर अंसारी की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो शामिल हों जनाजे में। आखिरी इस सफर में मुख्तार के करीब 600 से 700 मीटर की दूरी है मुख्तार अंसारी का जो घर है फाटक, जिसे कहा जाता है, वहां से कब्रिस्तान तक की, कारीबाग तक के कब्रिस्तान तक की, और दोनों जगहों पर हमारे दूर सहयोगी मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी का जो घर है फाटक, वहां पर विद्यानाथ झा मौजूद है, कालीबाग कब्रिस्तान पर आशुतोष मौजूद है, मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या खबर, क्या जानकारी, 8:30 बज चुके हैं, कितनी देर में जनाजे की नमाज और उसके बाद ये आखिरी सफर कब्रिस्तान तक का? देखिए, जो जानकारी अभी मिल पाई है, लगभग 10 बजे का समय तय किया गया है जब यहाँ से मुख्तार अंसारी की जो शव को लेकर परिवार के लोग निकलेंगे। लोगों का जमावड़ा राकेश यहाँ पर पूरे इलाके में देखा जा रहा है, जो पूरी गली है वो भरी हुई है। इसमें कुछ यहाँ के इलाके के लोग हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं जो मुख्तार अंसारी से मिलना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। देखिए, शोर शराबा भी आपको नजर आएगा, पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ से लेकर जहाँ पर मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा, जो कब्रगाह है, वहाँ तक की पूरी जो दूरी है, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों को ज़्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन चूंकि स्थानीय लोगों की इच्छा है कि मुख्तार अंसारी उनके बीच का, उनके परिवार का वो शख्स था जो अब उनके बीच नहीं है, तो ऐसे में उन्हें जो अंतिम दर्शन है वो करने दिया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलाउ किया गया था। लेकिन पूरा जो आप देखेंगे गली पूरी भीड़ से भर गई है, पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है, शोर शराबा भी हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे जब सब निकलेगा तो लगभग 10:30 बजे कब्रगाह पहुंचेगा और वहां पर फिर जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इससे पहले चूंकि भीड़ बहुत है और कब्रगाह में जगह कम है, तो ऐसे में एक बगिया पड़ती है, वहां पर नमाज अदा करने की बात भी मुतवल्ली कह रहे हैं कि वहां पर स्पेस ज्यादा होने के चलते आसानी से नमाज हो जाएगी, तो बगिया में नमाज अदा करने के बाद सीधे उसका कब्रगाह पर सबको ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कल से हो रखी है। अगर कल तय समय पर वहां पर यहां गाजीपुर मुख्तार का सब पहुंचने की, शोर शराबा बहुत हो रहा है, पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोग बड़ी संख्या पे यहां पर जमा हो गए हैं और पुलिस कह रही है कि भीड़ न लगाए, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है तो ऐसे में भीड़ न लगाए वहां पर कोशिश की जा रही है। कुछ एक लोग हैं जो पुलिस से भी एकदम धक्का मुक्की जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये अभी तस्वीर राकेश मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है पुलिस की देखरेख में पूरी होगी और ऐसे में पुलिस का जो डिप्यूट किया गया है पुलिस को, वो बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेंगे। कई सीओ को जिम्मा दिया गया है कि कहीं भी माहौल खराब ना होने पाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए जो शांति व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो, उसको ध्यान में रखते हुए कई जो थाने के इंस्पेक्टर हैं, देखिए शोर शराबा शुरू हो गया है, देखिए जो हालत है आप देखेंगे, पुलिस भी वहां पर मौजूद है लेकिन शोर शराबा हो रहा है, तो स्थिति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौतीपूर्ण हो। देखिए, निकलना बहुत जरूरी है यहाँ से, देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें दिखाते रहिए विशाल, तस्वीरें दिखाते रहिए, क्या पुलिस को दिक्कतें आ रही हैं उधर की तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, नारेबाजी करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है और चूंकि मीडिया के लोगों को आगे आने से रोका जा रहा है, वहां के जो लोग हैं स्थानीय लोग वो बहिष्कार कर रहे हैं, बाहर जाने को कह रहे हैं मीडिया को, और देखिए जिंदाबाद के नारे आपको लगते हुए नजर आएंगे। भीड़ आगे आती जा रही है, पुलिसकर्मी भी साथ है, पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिसकर्मियों ने कहा है मीडिया कर्मियों से कि आप लोग आगे जाएं, तो हालात ठीक न होने के चलते देखिए अब नारेबाजी करते हुए युवा मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, नारेबाजी करते हुए युवा आगे आ रहे हैं, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट था उसके बावजूद भीड़ इकट्ठी होती गई और भीड़ इकट्ठी होने के बाद अब देखिए ये तस्वीर बन रही है यहाँ पर कि पुलिस को शांत कराना पड़ रहा है और
बहुत ही अपने अंदाज में पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है ताकि ऐसे हालात न बने जो कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक हो, चुनौतीपूर्ण हो, हंगामेदार हो। लेकिन बावजूद इसके नारेबाजी हो रही है, देखिए नारेबाजी हो रही है और नारेबाजी हो रही है, आइए नारेबाजी हो रही है। ठीक है, चलिए मैं विद्या का रुख कर लेता हूँ। मनीष, विद्या तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब जो तस्वीरें मुझे समझ में आई कि अब वहां से लोगों की भीड़ आगे बढ़ रही है, संभवतः जनाजा लेकर वो निकले। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जनाजा अभी नहीं निकल रहा है राकेश। दरअसल क्या है कि बार बार मुख्तार अंसारी को जो माफिया कहा जा रहा है और उनके बारे में जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, उनकी उनकी हिस्ट्री जो दिखाई जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं वो उग्र हो गए हैं। हालांकि देखिए धारा 144 यहाँ पर लागू है, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, लेकिन कल से ही क्योंकि लोग संवेदना को लेकर यहाँ पहुंच रहे थे, इसलिए प्रशासन ने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाजत दी थी। लोग आ रहे थे, लेकिन अभी आप देखिए कि पूरा एक हुजूम है, पूरा जो हुजूम है यहाँ पर मोहम्मदाबाद में, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो स्थानीय लोग हैं वो मीडिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। कल तक इसी मीडिया के कैमरे के सामने और माइक के सामने खड़े होकर ये लोग जो हैं बोल रहे थे, लेकिन अभी देखिए कि कैसे उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो खास तौर से युवा हैं वो यहाँ पर आए हैं और कुछ लोगों ने ऐसा लग रहा है कि भड़काया है, और यही वजह है ये तस्वीरें विद्या और मनीष आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से मोहम्मदाबाद के इस इलाके में हालात नियंत्रण में है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस की किस तरीके से तैनाती है, और जो लोग आ रहे थे आगे की ओर उन्हें एक बैरिकेड से पहले ही रोका गया है। ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर बाद जनाजा निकालने की तैयारी है, जनाजे की नमाज होगी और उसके बाद कब्रिस्तान में, कालीबाग का जो कब्रिस्तान है उसमें दफन